कितने भोले और अनजान हैं बिहार के मुख्यमंत्री, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। पुलिस और प्रशासन ने बहुत कोशिशें की नवादा शराब कांड को छुपाने की, ऐसा भी हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रही है मृतकों के परिवार वाले। और अगर कोई कुछ नहीं कह रहा है तो वो है हमारी सरकार, जो इस मामले से बचती फिर रही है, क्योंकि शायद सरकार को भी नहीं पता था कि ये नवादा शराब कांड इतना तूल पकड़ लेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता रंगशन में और मैं हूँ आपके साथ शिष्य श्रीवास्तव। आज हम आपको बताएंगे कि नवादा शराब कांड पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा और नीतीश कुमार को भोला बोलने का उनका मतलब क्या था। होली के बाद अचानक से एक ही जिले के अलग अलग इलाके के 16 लोगों की मौत हो जाती है, हालांकि अपने जिला प्रशासन ने 10 लोगों की ही मौत की पुष्टि की है और ऐसा कह रही है कि बाकी 5 की मौत अलग बीमारियों से हुई है। पर जानकारी के मुताबिक मृतकों के घर वालों का कहना है कि मौत शराब से ही हुई है। और तो और इस तरह की घटना बेगूसराय से भी सामने आई है, जहां 2 युवकों की मौत शराब पीने से हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी यही बात सामने आई है। और इन्हीं मौतों पर अब बिहार की राजनीति भी गर्म होती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर तंज कसते हुए बिहार की सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि कितने भोले और अनजान है बिहार के मुख्यमंत्री, 4 दिन पूर्व जहरीली शराब पीने से प्रदेश में 19 मौतें हो जाती हैं, लेकिन सीएम अभी भी जानकारी ही प्राप्त कर रहे हैं, कितना विचित्र है ना। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि कल्पना करिए, सीएम की नजर में बिहार के आम नागरिकों के जीवन की क्या कीमत है, क्या किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई। मृतकों के परिजन कह रहे हैं कि जहरीली शराब से उनकी मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर भी यही कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन कह रही है कि नहीं, संयोगी ऐसा था कि एक ही दिन सभी की बीमारियों से मौत हो गई है। उन्होंने आगे लिखा है कि शराबबंदी के बावजूद प्रशासन खुद शराब बनवाता और बिकवाता है, भला वो ये स्वीकार क्यों करेगी कि शराब से मौत हुई है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को इतनी साधारण सी बात समझ नहीं आ रही है, क्या उनका कृति और बयान दोषी अधिकारियों को संरक्षण प्रदान नहीं कर रहा है। आपको बता दे, मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हमने वरीय पदाधिकारियों से पूछा था, ये सब लोग जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां के भी अधिकारियों का कुछ कहना है, फिर भी जो बात समाचार पत्रों में आ रही है उसको लेकर यहाँ की विशेष टीम जांच में गई है। आगे वो कहते हैं कि नवादा में हुई लोगों की मौत के मामले की पूरी जांच होगी, मुख्यालय से शुक्रवार को विशेष टीम वहां पर जांच के लिए भेजी गई है, ये टीम एक एक चीज को देखेगी, एक एक चीज के बारे में पता लगाएगी, इसके बाद हर चीज पर जो जरूरी कार्रवाई है वह सब की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कारी सोहेब के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि मतलब एक ही समय एक ही परिवार के 2 लोग पेट दर्द से मर गए, वाह नीतीश जी वाह। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुलेआम भ्रष्ट नाकारा अधिकारियों का बचाव करने लगे तो यही परिणाम होगा। प्रशासन शराब बिकवाता है लेकिन सीएम कहते हैं कि नहीं नहीं माफिया करता है, माफिया को तो आपका आशीर्वाद प्राप्त है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव के इस वार पर नीतीश कुमार क्या सफाई देते हैं। इस केस से जुड़ी खबरें हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, इसी के साथ देखते रहे जनता रंगशन।